चलो दोस्तों शुरू करते हैं अमर चित्र कथा की सावित्री। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना, यह सच्ची कहानी बताते हैं दोस्तों पुराने आदमी। चलो देखते हैं फिर कैसी है। प्राचीन काल में मध्य राज्य में अशुपति राज्य करते थे। वे बड़े पुण्य आत्मा थे। उन दिनों की प्रथा के अनुसार उनके अनेक पत्नियां थी। उनके महल में सदा चहल पहल रहती थी, किंतु अशुपति दुखी थे, उनके संतान न थी। आप दुखी क्यों है महाराज? मैंने देवताओं की इतनी पूजा उपासना की, फिर भी संतान से वंचित हूँ। महाराज मैंने सुना है सवितर देव सबकी कामनाएं पूरी करते हैं। सवितर तो मैं उन्हीं की शरण जाऊंगा। राजा गाजे वाजे के साथ सवितर के मंदिर की ओर चले। अपनी भेंट इस पवित्र अग्नि को अर्पित कीजिए, यह सवितर देव तक पहुंच जाएगी। क्या वे मेरी मनोकामना पूरी करेंगे? तभी मंदिर में चारों ओर प्रकाश छा गया और सवितर देव राजा के सामने प्रकट हुए। तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हारी कामना पूरी होगी। कुछ महीने बाद प्रसव का दिन आया। शुभ समाचार की प्रतीक्षा में महल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। कोई समाचार लड़का होगा क्या? बाद में महल के अंदर, महाराज को सूचना दो, कन्या हुई है। महाराज राजकुमारी ने जन्म लिया है। इतने समय बाद राजा भर में खुशियां मनाई गई। राजा ने बहुत दान पुण्य किया। राजकुमारी चिरंजीवी हो। सवितर देव के नाम पर कन्या का नाम सावित्री रखेंगे। महल में कन्या की किलकारियां गूंजने लगी। पुत्री का क्या पाल पोष कर बड़ा करो, फिर एक दिन प्राय घर विदा कर दो। कन्याएं तो फूल जैसी होती हैं, जहां जाती है सुगंध फैलाती हैं। बड़ी होकर सावित्री संगीत और दर्शन सीखने लगी और खगोल शास्त्र। भाग्य क्या ग्रहों के दिन है। और फिर उसने पीड़ा भी जानी, बिछो की। आहा, अभी वह समय नहीं आया बेटी। पिताजी, मेरी सहेलियां कहती हैं कि लड़कियों को विवाह करके दूर जाना पड़ता है, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आहा, अभी वह समय नहीं आया बेटी। कुछ समय बाद सुंदर युवती सावित्री अपने पिता के पास आई। पिताजी, मैं मंदिर जाऊं अकेली? पर जाओ, अब तुम सयानी हो गई हो। पहाड़ी पर बने हुए शांत मंदिर में पहुंचकर सावित्री का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। यहाँ मैं पहले क्यों नहीं आई? लौटते समय सावित्री को महल के द्वार के पास घोड़े पर सवार कई युवा अधिकारी मिले। नमस्कार राजकुमारी, तुमने मेरे सामने शीश क्यों झुकाया? आप हमारी राजकुमारी जो हैं? राजकुमारी न होती तो मैं इस सौंदर्य के आगे शीश राजकुमारी न होती तो भी इस सौंदर्य के आगे शीश झुकाना पड़ता। सावित्री ने यह बात सुन ली और उसका मुंह लज्जा से लाल हो गया। इतने सुंदर है यह सब। चलिए राजकुमारी जी, देर हो रही है। राजा ने यह दृश्य महल की खिड़की से देखा। पिताजी, मैं मंदिर से आपके लिए फूल लाई हूँ। बेटी, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? पुत्री को जाते हुए देखकर राजा को भान हुआ कि वह कितनी सुंदर हो गई है। धूप से हो गया पिताजी, अब इसका विवाह करना होगा। सावित्री की सुंदरता और विद्वता की चर्चा अन्य राज दरबारों में पहुंच चुकी थी। मदर नरेश की पुत्री विवाह योग्य है, पर मेरे पुत्र उसके योग्य कहाँ है? एक और राज दरबार में, नहीं, मेरा पुत्र सावित्री के योग्य नहीं। ज्ञानवान कन्या को ज्ञानी वर ही चाहिए। वही सावित्री, कहीं सावित्री के योग्य वर नहीं मिला। राजकुमार अब बड़े हुए, मदर नरेश से उनके विवाह की बात चलाई जाए, नहीं सावित्री की गरिमा तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? किसी में सावित्री का वर बनने का साहस न हुआ। सावित्री के साथ विवाह के लिए कोई प्रस्ताव आया? नहीं महाराज। राजा विदूषक ने एक सुझाव दिया, सावित्री सवय अपना वर चुने, मजाक कर रहे हो क्या? परंतु सुझाव राजा को पसंद आया। उन्होंने सावित्री को बुलाया। सावित्री राजी नहीं थी। मुझे विवाह नहीं करना, मैं आपके पास ही रहूंगी। जो पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं करता वह पाप का भागी होता है। तो फिर जैसी आपकी इच्छा पिताजी। यह निश्चय हुआ कि सावित्री विभिन्न राज्यों की यात्रा करेगी और मंत्री उसके साथ रहेंगे। अपने योग्य वर खोज कर आना बेटी। सावित्री बहुत प्रसन्न थी कि मार्ग में उसे अनेक तीर्थों का दर्शन लाभ होगा। एक मन में उन्हें एक करुण वनवासी दिखाई दिया। वह सड़क के किनारे किनारे चला जा रहा था। सावित्री ने उसे देखा और उसके मन में एक अनूठी भावना जागी। इतनी छोटी आयु में वनवासी, उसका चेहरा सावित्री के मन में भर कर गया। कल हम वाराणसी नरेश के अतिथि रहेंगे। वाराणसी में
मेरे पुत्र वीर हैं, साहसी हैं, तुम किसी को भी चुन लो बेटी। परंतु सावित्री के मन में तो कोई और बस चुका था। चुनाव कर लिया तुमने, नहीं चलिए वापस लौट चले। बताओ तो कैसा पति चाहिए तुम्हें, इन्हें कैसे बताऊं, मुझे तो उनका नाम भी नहीं मालूम। रथ दिन जंगल से जा रहा था। सावित्री को विश्वास था कि फिर उस तरुण वनवासी से भेंट होगी। प्यास लगी है, यहाँ कहीं पानी मिल जाएगा। सामने कुटिया है तो जाकर देखता हूँ। किसी तरुण की स्नेहपूर्ण वाणी सुनकर वह चौंक पड़ी। राजकुमारी को जल चाहिए, यही है, परंतु वनवासी है, मैं कैसे। सावित्री ने सोचा बिना सच्चाई का पता लगाए वह नहीं जा सकेगी। यही रुकिए, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। अच्छी बात, मैं जाता हूँ। मंत्री कुछ देर में लौट आए। वह वनवासी नहीं है, अपने राज्य से निकाले गए किसी राजा का पुत्र है। सत्यवान नाम है, वह तुम्हें पसंद है। जी हाँ। सावित्री अपने पिता के महल में वापस आई तो राजा स्वयं उसके पास आए। लौट आई बेटी, पसंद आया कोई वर। हाँ पिताजी, परंतु संकोच के कारण वह आगे कुछ नहीं कह सकी। लज्जाती क्यों हो बेटी, राजकुमारी ने सत्यवान को पसंद किया है, वे वनवासी हैं। वनवासी? तभी एक दूत ने बातचीत में विघ्न डाल दिया। महाराज नारद मुनि पधारे हैं। अच्छा, मैं उनका स्वागत करने जाता हूँ। क्या बात हो रही है, मेरी पुत्री ने एक निर्धन वर चुना है, उसका नाम है सत्यवान। सत्यवान? सत्यवान ही पसंद आया सावित्री को। राजा ने नारद मुनि के नेत्रों की व्याकुलता भांप ली। आप उसे जानते हैं? हाँ, उसके पिता धूमत सेन सालों के राजा थे, अंधे हो जाने पर राजपाट उनके हाथ से चला गया। आप मौन क्यों हो गए, क्या इस कारण कि वे वन में रहते हैं? यह बात नहीं, इन्हें सच्ची बात कैसे बताऊं। अशोकपति बार बार पूछने लगे, क्या वह कुलीन नहीं, वीर नहीं? कुलीनता और वीरता में वह अद्वितीय है। अंत में नारद मुनि को सच्चाई बतानी पड़ी। आज से ठीक एक वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात एक वर्ष बाद मेरी पुत्री विधवा हो जाएगी। हाँ, यदि उसने सत्यवान से विवाह किया तो। अशोकपति सोच में पड़ गए। उन्होंने सावित्री को बुलाया, बेटी तुम्हारा विवाह सत्यवान से नहीं होगा, उसकी मृत्यु निकट है। परंतु पिताजी, उन्हें मैं अपना पति मान चुकी हूँ, मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ। अंत में अशोकपति को सावित्री की बात माननी पड़ी। तुम्हारी पुत्री ने बड़ा साहसिक निश्चय किया है, उसे मान लो। अच्छा, मान लेता हूँ। कुछ दिन बाद महल के लोग वधु को लेकर वन में आए। वनवासियों ने सबका स्वागत किया। आरंभ में धूमत सेन ने काफी असमंजस दिखाया, आपकी बेटी महलों में पली है, यहाँ कैसे सुखी रहेगी। यह चिंता छोड़िए, उसने धन से बड़ी चीज चुनी है। सखियों ने सावित्री का श्रृंगार किया। तुमने वर को देखा है, कितना आकर्षक व्यक्तित्व है उसका। हाँ, केवल एक वर्ष के लिए ही। मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न हुआ। अशोकपति ने पुत्री का हाथ सत्यवान के हाथ में दे दिया। वर और वधु ने अग्नि के साथ फेरे लिए और विवाह बंधन में बंध गए। फिर विदा की घड़ी आई। अपनी पसंद पर गर्व करो और सुखी रहो। माता पिता के जाते सावित्री ने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार कर वनवासियों जैसे कपड़े पहन लिए। तुमने ये वस्त्र क्यों पहने, आप वनवासी हैं और मैं आपकी पत्नी, और कैसे वस्त्र पहनू मैं। सत्यवान ने एक सुंदर अंगूठी निकाली जो उसने इसी अवसर के लिए रख छोड़ी थी। यह तुम्हें पहननी होगी, इसकी मणि देखो, इतनी चमकदार है कि अपना मुंह इसमें देख सकती हो, दर्पण की तरह, किंतु मुझे दर्पण की क्या आवश्यकता। कितना सुंदर है तुम्हारा मुख, इसमें देखा तो। सावित्री अपने सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी, पुत्री की तरह उनकी सेवा करती थी। देर हो गई बेटी, जाओ सो जाओ, और कोई सेवा हो तो बताइए। जैसे जैसे दिन बीतने लगे सावित्री के मन की व्यथा बढ़ने लगी। आज कौन सी तिथि है माता जी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, केवल 60 दिन रह गए। साल बीतता गया। दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी में जब 3 दिन रह गए तब सावित्री ने उपवास किया। बेटी यह व्रत बहुत कठिन है, चिंता न करे पिताजी, मैं कर सकूंगी। अंतिम रात उसे नींद नहीं आई, एक ही विचार से हालता रहा, कल मेरे पति की मृत्यु होने वाली है, मैं क्या करूं। सुबह हुई, आज मुझे अपने साथ ले चलिए। क्यों सावित्री, आज इच्छा है जाने की। अच्छी बात है, चलो। उसके मुख पर मुस्कान थी परंतु हृदय में व्यथा,
सत्यवान प्रसन्न था, तुम्हें पायल पहननी होगी, पायल की धुन धुन बड़ी प्यारी लगती है। वन में सावित्री का हृदय वैसे भारी था, संसार कितना सुंदर है पर जीवन इतना क्षण बंधुर है कि उसकी हर वस्तु का आनंद नहीं लिया जा सकता। सावित्री ऐसे दुखदायक विचार मन में क्यों लाती हो? सावित्री के हृदय की धड़कन पल पल बढ़ती जा रही थी, पत्ते पत्ते में उसे मौत छिपी दिखाई देती थी। आप थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए ने, तुम साथ हो फिर थकान कहाँ सावित्री? तुम पुष्प तोड़ लाओ, मैं ईंधन के लिए लकड़ी काटता हूँ। अच्छा। अचानक सत्यवान का शरीर पसीने से नहा गया, उसके अंग अंग में तिरो पीड़ा होने लगी। सावित्री, ओ भगवान! सावित्री भाग कर पति के पास आई। सावित्री, मेरा शरीर सुन्न होता जा रहा है, मैं थोड़ी देर सोऊंगा। शीघ्र ही सत्यवान का शरीर जड़ हो गया, कौन ता ही गया। वन उसके लिए अंधकार में हो गया, हवा भी ठहर गई। सावित्री ने सर उठाया, सामने लाल वस्त्रों में लिपटी एक काली आकृति दिखाई थी। सावित्री दुखी थी परंतु भयभीत नहीं हुई, वह उससे बात करने लगी। आप कौन है? तुमने पहचाना नहीं, मैं यम हूँ, मृत्यु का देवता, सत्यवान की आत्मा को लेने आया हूँ। पर यह काम तो आपके दूत करते हैं, दूत करते हैं ने? आपने सवे क्यों कष्ट किया? सत्यवान साधारण पुरुष नहीं था, धर्मात्मा था, इसलिए मैं सवे आया। यमराज ने रस्सी निकाली और सत्यवान की आत्मा को उससे बांध कर जाने लगे। सावित्री ने सत्यवान के मुख पर मृत्यु की शांति देखी। प्रिय पति की मृत्यु के बाद अब मेरे लिए जीवन में कुछ शेष नहीं रहा, मैं यमराज के पीछे जाऊंगी। कुछ अंतर छोड़कर सावित्री यमराज का पीछा करने लगी। लंबी घास में उसकी पायल की रुन रुन दब गई। शीघ्र ही दोनों एक सोते के पास पहुंचे। यहाँ भी पायल की रुन रुन पानी की आवाज में डूब गई, पर धरती पर पैर पड़ते ही पायल का स्वर यमराज को सुनाई दिया। वे ठहर कर उस स्वर को सुनने लगे। कोई मेरा पीछा कर रहा है, तुम मेरे पीछे क्यों आई हो? जहां मेरे पति जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगी। तुम्हारे पति मर चुके हैं, तुम लौट जाओ, उनका प्राण दान लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। यह संभव है, पर बताओ मैं प्राण दान क्यों करूं? यमराज के स्वर में हल्का सा व्यंग था। किसी के साथ सात कदम चलो तो वह मित्र हो जाता है, मैं तो बहुत दूर आपके साथ आई हूँ। सावित्री के सूत्र से यमराज प्रसन्न हुए। तुम बहुत चतुर हो, अपने पति के जीवन के सिवा कुछ भी मांग लो। मेरे ससुर को दृष्टि और राजपाट वापस दिलवा दीजिए, मेरे ससुर को दृष्टि और राजपाट वापस दिलवा दीजिए। यमराज को आश्चर्य हुआ कि सावित्री ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अब लौट जाओ, तुम और आगे नहीं आ सकती, ये मेरे जीवन साथी हैं, इस लोक में भी परलोक में भी इन्हें कैसे छोड़ू? तुम्हारे पति वन में पड़े हैं, जाकर उनका अंतिम संस्कार को। आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आत्मा चली गई तो देख किस काम की? ये शब्द पवित्र संगीत की तरह वातावरण में गूंज गए। यमराज के पांव भी चिटक गए। तुम्हारे पति के प्राण तो चले गए, पर मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, दो वर और मांग लो। सावित्री जानती थी कि सीधे प्राणों का दान मांगना तो व्यर्थ होगा, अतः उसने एक उपाय किया। मेरे पिता पुत्र विहीन है, उनका वंश चलाने के लिए उन्हें पुत्र दीजिए, उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और मांगो। मुझे वर दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हों, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। धन्यवाद महाराज। यमराज आगे चल पड़े। कुछ कदम चलकर उन्होंने मुड़कर सावित्री को देखा। अब क्या बात है, मेरे पति तो मर गए, मेरे पुत्र कैसे होंगे? अपने वचन में सवे फंसा गया। तुम्हारी भक्ति अनुपम है, मैं तुम्हारे पति के प्राण लौटाता हूँ। सावित्री प्रसन्नता के मारे भागते हुए वहां आई जहां सत्यवान का शव पड़ा था। सत्यवान वैसा ही लेटा था जैसा वह छोड़ गई थी। उसे संदेह हुआ, जीवित हुए या नहीं, सांस तो चलती नहीं लगती। सावित्री जानती थी कि सांस सहज क्षणी पर बाप की तरह जम जाती है। उसने अंगूठी सत्यवान की नाक के पास लगाई। वो जीवित हैं, जीवित हैं। शीघ्र ही सत्यवान ने आंखें खोल दी। बड़ी गहरी नींद आई मुझे। पति पत्नी घर की ओर चले। सावित्री के हर्ष की सीमा न थी, 100 पुत्र उन्होंने वर दिया है। उधर भूमत्सेन की दृष्टि लौट आई थी। हम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, समझदार है न? परंतु सत्यवान कहाँ है, सावित्री कहाँ है? उन्हें अब तक लौट आना चाहिए था।
घूमत सेन चिंतित होकर कुटिया से बाहर निकले कि उन्हें दूर धूल का बादल घुटता दिखाई दिया। आंधी आ रही है क्या? नहीं, मुझे तो घुड़सवार लगते हैं। घुड़सवार वहां पहुंचे। घुमत सेन ने उन्हें पहचान लिया। वे उन्हीं के राज्य के थे। महाराज, आपके शत्रु हार गए, हम आपको लेने आए हैं। चमत्कार! पर मेरे पुत्र और पुत्र वधु की खोज तो करो, जंगल में चारों ओर जाकर देखो। पर उन्हें बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। सत्यवान शास्त्री, लौट आए तुम। पिताजी, क्या बात है? बेटी, तुम एक निर्धन के घर आई थी, परंतु अब राज करोगे, तुम्हारे बेटे राजकुमार कहलाएंगे। यमराज की कृपा है। सब लोग अपने राज्य को लौट चले। हर्षपूर्ण थी यात्रा। आप दोस्तों, अच्छी कहानी थी। जरूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी।